हे गाइस, वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मिंत्रा से फ़िलहाल अभी जब उनका सेल चालू था फुटवेयर के ऊपर, तो मैंने कुछ फुटवेयर जो है वो यहाँ से ऑर्डर किए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नाइकी के मैंने फुटवेयर जो है वो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। जो 3,500 के जो शूज़ थे वो समथिंग अराउंड 1799 रुपीज़, या मतलब 1800 रुपये में मिल रहे थे। और मैंने मतलब सोचा कि अच्छा डील है, सो मैंने कुछ फुटवेयर जो थे ऑर्डर किए घर के, मतलब घर पे यूज़ करने के लिए, बेसिकली वाइफ के लिए और मेरे लिए। सो उनका जो क्वालिटी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आप ये देख सकते हो, तो ये जितने भी फुटवेयर है बेसिकली एक ही मॉडल के हैं, जो नाइकी रिवॉल्यूशन जो मॉडल है उसका है। बट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फुटवेयर की क्वालिटी दोस्तों, जैसे मतलब अभी आपको, मतलब मैं हाथ में अभी लेने के बाद आपको बता रहा हूँ, तो ये 3,500 के हिसाब से तो बिल्कुल भी शूज़ मुझे नहीं लग रहे। ओके, एंड तो मैंने इसके पहले कभी नाइकी के शूज़ अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। ओके, एज अ ब्रांड मैंने अभी तक जो स्पार्क्स के शूज़ है वही मैंने यूज़ किए हैं। बट मैं सोच रहा था कि इनको यूज़ करूँ, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो मुझे एज़ कम्पेयर टू यू नो स्पार्क्स उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। ओके, टू बी वेरी हॉनेस्ट, ओके, एक मतलब रेगुलर शूज़ ही मुझे लग रहे थे। इनफैक्ट मैंने उनको पहन के भी देखा तो मुझे उसमें इतना कुछ अलग से कंफर्ट नहीं लग रहा था। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पूरा सोल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सोल था। ओके, और अंदर भी जो कुशनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। और मुझे बेसिकली जो शूज़ है ना वो सॉफ्ट शूज़ पसंद है, एंड कंसिडरिंग कि ये नाइकी के है और इनका जो सोल है वो अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा, तो वैसा नहीं था। ओके, तो ये बेसिकली मैंने मेरे लिए दो पेयर मतलब बेसिकली परचेस किए थे अलग अलग साइज़ के, बिकॉज मुझे लगा कि दो साइज मतलब परचेस करूँ तो बेटर होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत उस टाइम पे सेल की वजह से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे मेरे बेसिकली साइज़ के शूज़। और दूसरे भी जो शूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो कैसा उसका मतलब कलर है। तो ये बेसिकली फर्स्ट जो थे वो ब्लैक कलर के आपको मैंने दिखाए, और ये देखिए। सो ये बेसिकली जो है ये वुमन शूज़ है जो मैंने मेरे वाइफ के लिए परचेस किए थे। सो इवन उसको भी वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे टू द प्राइस पॉइंट, एंड स्टिल आई विल से कि यू नो 1800 रुपये में फिर भी आप यू नो कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरिंग द बेसिकली द ब्रांड ऑफ दिस फुटवेयर्स। ओके, बट ये 3000 के ऊपर परचेस करना आई रियली डोंट फील वर्थ, बिकॉज यही सेम टाइप के शूज़ आपको यू नो या दूसरे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, जैसे कैंपस है या फिर स्पार्क्स के शूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं, स्टाइलिश भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, और उनका जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा यू नो इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, बजट में होता है। सो ये शूज़ जो है वो आप देख सकते हो। सो यहाँ पे भी मतलब मुझे बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट थी, इवन ये भी मतलब पसंद नहीं। और आप देख सकते हो कितने स्टिफ़ मतलब शूज़ का जो सोल है वो इतना ज़्यादा मतलब स्टिफ़ है कि इसके अंदर मुझे तो बिल्कुल भी हमको मतलब नहीं लगा कि इसके अंदर कुछ कंफर्ट मिलने वाला है, बिकॉज इतना ज़्यादा वो रिजिड था। नीचे का जो सोल है वो भी मतलब वाइट सोल के ऊपर जो अलग से एक सोल उन्होंने शायद से लगाया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड सोल है। सो कंफर्ट वाइज मुझे मतलब इतना कुछ इसके अंदर नहीं लगा। सो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ जो भी मतलब मैंने प्रोडक्ट्स परचेस किए या फिर जो मॉडल्स या फिर कलर्स परचेस किए। तो बेसिकली ये सब जो है वो नाइकी के जो रिवॉल्यूशन सीरीज़ है उसके अंदर के जो है ये फुटवेयर। सो ये हो गया, और जो एक लास्ट जो पेयर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बेसिकली। सो ये जो शूज़ है ये ग्रे कलर के हैं, जो फर्स्ट थे वो ब्लैक थे मेंस के, और ये है ग्रे। ये इनका बेसिकली मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा था, तो इनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन वॉज रियली गुड। ओके, मतलब ब्लैक से तो बढ़िया ही लग रहे थे, ये थोड़े ग्रेइश मतलब है टोन उनका। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वीडियो के अंदर आपको ग्रीनिश लग रहा होगा, बट ये ग्रे कलर का था, और उसके ऊपर जो ये हाईलाइट है नाइकी का जो ब्रांड है वो उसका वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट अगेन मतलब कंफर्ट नहीं था इसके अंदर, सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने ये तीनों भी पेयर जो थे हम लोग ने रिटर्न किए हैं। ओके, एंड टू बी मतलब वेरी हॉनेस्ट, ये 3500 के आसपास के मतलब जो शूज़ है ये बेसिकली डिस्काउंट में 1800 में मिल रहे थे। एंड अभी अगर आप देखोगे तो मतलब ये सेम जो शूज़ है वो आपको 3000 के ऊपर ही मिलेंगे। सो 3000 के हिसाब से तो गाइज डेफिनेटली दे आर नॉट दैट कंफर्टेबल। ओके, मे बी ये ब्रांड
है इसके लिए वजह से, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट इसमें इतना कुछ मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। सो ये मैंने अभी फ़िलहाल हम लोगों ने रिटर्न किए हैं, और मैंने मेरे लिए स्पार्क्स के जो शूज़ है वो मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ोन से। सो वो भी मैं चेक करूँगा, बिकॉज़ मुझे कंफर्टेबल शूज़ चाहिए, मतलब शूज़ चाहिए। एंड अगर प्राइस पॉइंट अगर हम लोग 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे शुड बी वर्थ आपको चलने में, और जो कंफर्ट होता है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो तो डेफिनेटली आपको फील तो होनी चाहिए, बिकॉज़ यू नो यू आर पेइंग सो मच। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर आप कभी ट्राई करने वाले हो मिंत्रा से, तो आप ये डेफिनेटली एक बार, मतलब ये वीडियो जो है वो कंसिडर कर सकते हो बिफोर परचेसिंग द प्रोडक्ट। और ये मेरा जो रिव्यू या फिर ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे ही जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो वीडियोज़ है वो मैं बनाता हूँ, और जो हॉनेस्ट रिव्यूज़ और ओपिनियन है मेरे स्पेसिफिकली टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आई एम यूजिंग, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, ताकि जो मेरे कंज्यूमर्स है या फिर जो व्यूवर्स है उनको इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर ज़िला, टेक केयर, बाय बाय।